हिंदू विरोधी उदय निधि स्टालिन के तमिलनाडु का मुख्यमंत्री जो एम के स्टालिन के बेटे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है नालायक उदय निधि स्टालिन ने सनातन हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया कोरोना को सनातन धर्म एक इसको हम विरोध नहीं कर सकते इसका हम नाश करना चाहिए बोलकर जो हाल ही में बयानबाजी किया है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय अलशरे कॉलेज गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर लॉन्ग टर्म नीट एग्जाम फॉर रिपीटर्स बैच फ्रॉम 10th जुलाई एक्सपेक्टिंग 20 प्लस फ्री MBBS सीट्स नीट रैंक एनहांसमेंट स्पेशल प्रोग्राम बेस्ड ऑन नीट मार्क्स फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अलशरे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। आज हिंदू जागृति सेना और समस्त कलबुर्गी हिंदू समाज के तरफ से हम ये प्रोटेस्ट करने आए हैं कि ये जो नालायक तमिलनाडु का मुख्यमंत्री जो एम के स्टालिन के बेटे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है नालायक उदय निधि स्टालिन ने सनातन हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया कोरोना को सनातन धर्म एक इसको हम विरोध नहीं कर सकते इसका हम नाश करना चाहिए बोलकर जो ये हाल ही में बयानबाजी किया है तो आज हम ये कहना चाहते हैं उदय निधि स्टालिन जी आप ये सोचिए हमारा ये हिंदुस्तान है भारत देश है भारत देश में कम से कम 80% हिंदू पॉपुलेशन 80% है तो अभी उसको नाश करेंगे आप 80% पॉपुलेशन है उसको नाश करेंगे सोचिए एक मिनट सोचिए आप अगर आप अरब देश में ईरान इराक में पैदा हुए होते तो आपका हालत क्या होता यू आर लकी उदय निधि स्टालिन क्योंकि आप भारत देश में पैदा हुए हैं तो ये कहना चाहते हैं अविलंब करते हुए आप ये क्षमा याचना कीजिए कि ये जो बयानबाजी है वापस लीजिए और समस्त भारत देश के हिंदू जो भी हमारे समाज बांधव है उनसे माफ़ी मांगिए नहीं तो आपके ऊपर जो जनता भरोसा कर ये हमारा ये नेता है ये हमारा राजा है ये हमारा ये इनको हम जीता के लाए तो हमारा स्टेट सुधरता बोल के आपके ऊपर भरोसा कर जो आपको उस गद्दी पर बिठाया है तो वो भरोसा आप कायम रख लीजिए नहीं तो आने वाले दिनों में आप वो गद्दी तो छोड़िए आपको रोड पे फिरने का भी हमारे देश में भारत देश में आपको मौका नहीं मिलेगा ये कहना चाहते हैं। अभी ये अपना जो सचिव है हमारे प्रियंक खड़गे जी साहब जो बोलते तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम जिस मूल से आए हैं हमारा सनातन हिंदू धर्म है और ये जो उनके तरफ से जो हमारे सचिव बात करते हैं तो देखिए आप पूरे देश में विभूति कम हम थोड़ा सा टीका लगाते हैं जोर से जो लगाते हैं विभूति वो तमिलनाडु में लगाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा देवस्थान आप देखिए तमिलनाडु में है तो ये उदय निधि स्टालिन जी को और एक बात कहना चाहता हूँ आप ये कह रहे हैं बार बार कि वो कार्यक्रम में भी यही बात कही है और दूसरी बार मैं मेरे बात पे कायम रहूँगा मेरा बात सही है बोल को जो आप ये बात बोल रहे हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके घर के लेडीज़ है जो आपके वाइफ है आपकी माता जी है जो माथे पे सिंदूर लगाते हैं वो कौन से धर्म का है वो कौन से धर्म का है और जो आपका राज्य सरकार का सिंबल है वो चिन्ह कौन से धर्म का है गोपुर है वो देवालय है देवालय का गोपुर है तो आपके स्टेट का गोपुर जो चिन्ह है वही बदली करेंगे धर्म को नाश करेंगे जिस धर्म से हम आए हैं वो धर्म को नाश करेंगे आप ये बात वापस लीजिए कृपया हम पूरे हिंदू समाज के तरफ से हिंदू जागृति सेना के तरफ से और पूरे समस्त कलबुर्गी और पूरे भारत देश के तरफ से ये निवेदन करते हैं कि आपका जो अहदा है उस अहदे को हम मान रखते हैं और दोबारा कहना चाहते हैं कि आप ये बात वापस लीजिए नहीं तो आपको वो जगह जो मिला है वो भी आप खो देंगे करके ये बोलना चाहते हैं। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय अलशरे कॉलेज गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर लॉन्ग टर्म नीट एग्जाम फॉर रिपीटर्स बैच फ्रॉम 10th जुलाई एक्सपेक्टिंग 20 प्लस फ्री MBBS सीट्स नीट रैंक एनहांसमेंट स्पेशल प्रोग्राम बेस्ड ऑन नीट मार्क्स फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अलशरे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट।